रुकी। बजट सत्र का दूसरा दिन आज, पीएनबी फ्रॉड पर आज कांग्रेस ने फिर किया हंगामा। इसके साथ ही आपको बताएंगे मेघालय में कोनराड संगमा ने ली सीएम पद की शपथ, और साथ ही ट्राई टी सीरीज आज से श्रीलंका से पहला मुकाबला, रोहित शर्मा होंगे कप्तान। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कमलेश जी, प्रदर्शन जारी है, इतना सारा एजेंडा है कामकाज का, उसके बाद भी आज अपोजिशन ने प्रदर्शन किया। जी श्रीकांत, ये बजट सत्र का जो है दूसरा सेशन है, यानी दो हिस्सों के अंदर बजट सत्र शुरू हुआ था, जो पहला वाले हिस्से के अंदर बजट पेश किया था, और अब जो है उसके ऊपर बाकी जो दूसरे कामकाज के लिए जो करीब 60-67 के करीब बिल हैं वो पेंडिंग है, तो उनके ऊपर बहुत सारा कामकाज होना है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि संसद की जो कार्रवाई है, मतलब जो संसद सत्र जब चलता है तो उसकी कार्रवाई के ऊपर प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। ये संसद के पूरे साल के खर्चे को अगर हम सत्रों के दिनों से बांट करके देखें, सेशन की जो कार्रवाई है उससे बांट करके देखें, तो करीब 2.5 लाख रुपये का हर मिनट का खर्च संसद का बैठता है। और अगर सपोज इस वाले सत्र के अंदर करीब 30 दिन का कामकाज होना था, 5 मार्च से 6 अप्रैल का ये जो दूसरा सेशन है, तो इसमें करीब 30 दिन जो है वो 30 दिन का कामकाज होना, छुट्टियों को मिला दे तो भी तमाम घंटे अगर गिने तो हम मान के चलेंगे करीब जो है 120 से लेके 140 घंटों का कामकाज इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसा हो पाएगा, क्योंकि 4 बड़े मुद्दों के ऊपर जो है विपक्ष जो है बिल्कुल ठान करके बैठा है कि हम संसद को चलने नहीं देंगे। नीरव मोदी, पीएनबी केस, राफेल डील, उसके बाद में अभी जो नया ताज़ा मामला जुड़ा है वो एसएससी परीक्षाओं के अंदर धांधली, और एक चौथा जो है अभी चिदंबरम के जो बेटे को आईएनएक्स मीडिया के अंदर जो घोटाले के अंदर जो अरेस्ट किया कार्ति चिदंबरम को, वो भी जो है विपक्ष उसको लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहा है। और आज राहुल गांधी ने अपने तेवर जो है संसद के बाहर दिखा दिए, इसीलिए जो कार्रवाई थी वो पहले 12 बजे तक रोकी गई और उसके बाद में जो है पूरे दिन के लिए जो है स्थगित हो गई है। तो कमलेश जी, 4 मुद्दे मिले विपक्ष को घेरने के लिए सरकार को, और 60 बिल जो है बाकी है, मतलब पूरा एजेंडा तैयार है, कहीं भेंट ना चढ़ जाए। निश्चित रूप से जो है 2 दिन का जो हमने कल से हम जो देख रहे हैं उसमें बिल्कुल शुरू होती है, हंगामा शुरू हो जाता है, संसद की जैसी कार्रवाई शुरू होती है हंगामा भी साथ ही शुरू हो जाता है, और न इतना शोर शराबा हो रहा है कि कुछ वहाँ पे ना कुछ सुनाई पड़ रहा है, न किसी की बात सुनी जा रही है अब। और इसके अंदर जैसे आज अभी त्रिपुरा के अंदर जो एक घटना घटी है कि वहाँ सरकार के शपथ लेने से पहले ही जो है तोड़फोड़ शुरू हुई है, लेनिन की मूर्ति को जो है गिराया गया है, और जो है जो लेफ्ट के कार्यालय उन पर तोड़फोड़ की, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा भी एक और साथ में शायद और जुड़ जाए, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा हंगामा जो है आने वाले दिनों के अंदर ये बढ़ेगा। तो अगर हम बड़े बिलों की बात देखें तो इस बार जो है जो सबसे बड़ा बिल है अभी जो राज्यसभा में अटका हुआ है वो मुस्लिम महिलाओं के जो तलाक वाला 3 तलाक वाला मामला है वो है, मेडिकल काउंसिल का बिल है, उसके बाद में अचल संपत्ति अधिग्रहण है, उसके बाद भूमि अधिग्रहण पुनर्वास वाला बिल है, व्हिसिल ब्लोअर है, मोटर व्हीकल एक्ट है, और उसके बाद में एक भ्रष्टाचार निवारक संशोधक बिल है। तो कम से कम ऐसे 6 से 7 बड़े जो बिल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें सेशन के अंदर जो है पास कराने की कोशिश सरकार की है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ आगे बात बन पाएगी। अब ये वहाँ का जो फ्लोर मैनेजर होते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से विपक्ष को साधते हैं, या क्या ऐसा होता है कि जो दोनों के बीच में जो ये इस तरह की जो बर्फ जमी हुई है ये पिघले और कम से कम कुछ तो कामकाज हो देश। जिस तरह से तेवर दिखा दिए राहुल गांधी ने आज जाते ही, तो लग नहीं रहा है कि ये सदन, हाँ तो निश्चित रूप से कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक सेटबैक मिला है, पूर्वोत्तर राज्यों में जो हार मिली है तो वो और आक्रामक मुद्रा के अंदर संसद के अंदर और अब संभवतः नजर आएंगे, और जो पुराने मुद्दे हैं उनको भी उठाएंगे। बिल्कुल 6 से 7 महत्वपूर्ण बिल जो है अभी संसद में आना बाकी है, जिन पर लगातार विपक्ष 4 मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो आसार बहुत कम ही लग रहे हैं कि ये बिल पास हो। रुक करेंगे अगली खबर का। मेघालय में आज संगमा ने शपथ ले ली है, इसको बताएंगे मेरे सहयोगी जयदेव। श्रीकांत, मेघालय में कोनराड संगमा ने आज शपथ ले ली, और एनपीपी की सरकार एक तरह से बन गई, और इसमें बीजेपी का बड़ा रोल रहा, और इस शपथ ग्रहण में खुद राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और अमित शाह भी थे वहां पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि एनपीपी को कुल 19 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 21 सीटें। कांग्रेस ने जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए वहाँ हमें अहमद पटेल, कमलनाथ जैसे बड़े नेताओं को भेज दिया, कांग्रेस की तरफ से दावा भी पेश कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ। सवाल मेरा आपसे अगला यही था जयदेव कि आखिर ऐसा क्या एक रणनीति खेली अमित शाह ने कि 2 सीटें होने के बाद सरकार बना ली।
वही मैं आपसे कह रहा था कि जब कांग्रेस ने जब दावा पेश किया तो उनके उन्होंने कोई विधायकों की लिस्ट नहीं दी राज्यपाल को, और जब संगमा वहां पहुंचे तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट 34 विधायकों के समर्थन की लिस्ट उनको समाई, तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल उन्हें ही बुलाएंगे। इसके बाद अगर बात करें हम कि आखिर कैसे हुआ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, क्योंकि जब रिजल्ट आ रहे थे तभी ये कयास थे, और शायद हमारी आपसे चर्चा भी हुई थी कि जो सरकार होगी ज़्यादा संभावना है एनडीए की है, क्योंकि जो एनपीपी है, यूडीपी है, जितनी भी पार्टियां जो अलग अलग लड़ रही थी, ठीक, वो सभी एनडीए के में शामिल थी, चुनाव गठबंधन था, चुनाव के लिए सब अलग अलग चुनाव लड़े, बीजेपी ने अलग लड़ा और इन पार्टियों ने भी अलग अलग चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद एक बार फिर से सभी साथ आ गए और इस तरह से उनकी जो कुल संख्या थी वो करीब 34 पहुंच गई। एक निर्दलीय जो था वो भी, कई निर्दलीयों ने भी उनको समर्थन दे दिया, तो इस तरह से एक बार फिर कांग्रेस को यहाँ भी मात खानी पड़ी, और अब कॉनराड संगमा जो कि पीए संगमा के बेटे हैं, जो लोकसभा सांसद वो रहे थे, अध्यक्ष रहे थे उनके, और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे, उस समय उनके खिलाफ एनडीए के कैंडिडेट थे पीए संगमा, और वहीं से पीए संगमा और शरद पवार में दूरियां आई, और वहां से क्योंकि पीए संगमा उस समय तक शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी उसमें शामिल थे, तो वहां से फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, हालांकि कुछ समय बाद उनका निधन हो गया, तो उनके दोनों बेटों और बेटी ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया, और 2013 में जो चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 2 सीटें थी एनपीपी की, और इस बार 19 सीटों तक ये लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस के लिए तो ये वापस हो ही गया, गोवा, मणिपुर, उसके बाद मेघालय, बिल्कुल वही स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस एक दौर था जब 90 का दौर, उस समय ऐसा होता था कि सभी जो पार्टियां होती थी वो कांग्रेस के साथ चली जाती थी, बीजेपी के साथ कोई नहीं आना चाहता था। अब स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है, आज के दौर पे जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो सभी बीजेपी उनको साथ लेती है, बीजेपी के साथ आ जाते हैं, और कांग्रेस के साथ कोई नहीं जाना चाहता, तो कांग्रेस को समर्थन ही नहीं मिल पा रहा है, कहीं 2 सीटें कम होने पर, कहीं 7 सीटें कम होने पर, कहीं 9 सीटें कम होने पर वो सत्ता से दूर रह जा रहे हैं, भले सबसे बड़ी पार्टी होकर भी। त्रिपुरा की अगर बात करें तो बिप्लव देव कुमार जो देव है उनका नाम फाइनल हो गया। हाँ, बिप्लव देव को सीएम कैंडिडेट शुरू से ही बताया जा रहा था, वो त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो संभावनाएँ थीं उनकी बहुत प्रबल थी, और लगातार ये दावा किया जा रहा था कि शायद वही सीएम होंगे। तो वो आज नितिन गडकरी वहाँ जिन्हें भेजा था बीजेपी ने, उन्होंने उनकी घोषणा की, और इसके साथ ही एक डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। बिल्कुल, और कल अमित शाह भी नागपुर गए थे, संत मोहन भागवत से मिले थे, और तीनों नॉर्थ ईस्ट के चुनाव का परिणाम भी उन्होंने बताया था। हाँ, वहाँ पर एक लेवल की सहमति हो गई थी और सारी रणनीति तैयार हो गई थी, वो एक घोषणा होनी थी जो आज हुई है। बिल्कुल, तो त्रिपुरा में बिप्लव कुमार देव होंगे अगले सीएम कैंडिडेट, तो इसका ऐलान हो चुका है, नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया। रुक करेंगे अगली खबर का, ट्राई T20 सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, मुकाबला श्रीलंका से होगा, इस पूरी खबर को बताएंगे स्पोर्ट डेस्क के सहयोगी सौरभ जैन। हाँ श्रीकांत, आज से ट्रायंगुलर T20 सीरीज श्रीलंका में शुरू हो रही है, पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए ये मैच इसलिए अहम है कि हमारी यंग टीम पहुंची है वहाँ पर, सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं, MS धोनी, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं, रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, शिखर धवन को कप्तानी मिली है, तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि रन बनाने की जिम्मेदारी रोहित और शिखर के अलावा सुरेश रैना के ऊपर होगी, मनीष पांडे के ऊपर होगी और लोकेश राहुल पर होगी। स्पिनर्स में हमारे पास युजवेंद्र चहल हैं और अक्षर पटेल हैं, और भारत के लिए मैच अहम इसलिए भी है कि अगर टीम इंडिया इस मैच को जीत जाती है तो वो सबसे ज़्यादा बार श्रीलंका को भारत के खिलाफ जो हारने वाली टीम है श्रीलंका बन जाएगी। अभी तक भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने 10-10 मैच हारे हैं, अगर आज श्रीलंका को हरा देते हैं हम लोग तो श्रीलंका सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम बन जाएगी हमारे खिलाफ। सौरभ, रोहित शर्मा के बाद एक बार फिर मौका होगा खुद को साबित करने। हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में वो आखिरी T20 में उन्होंने ही कप्तानी की थी और उसी जो सीरीज डिसाइडर मैच था हमने उन्हीं की कप्तानी में जीता था, तो रोहित एक बार फिर अपने आप को यहाँ साबित करना चाहेंगे, और यंग प्लेयर्स जिन्हें मौका मिलना है, ऋषभ पंत हुए, मोहम्मद सिराज हुए, इन प्लेयर्स या जयदेव नाटकर टाइप के प्लेयर्स को भी काफ़ी बड़ा चांस है, मौका है उनके सामने खुद को साबित करने का। तीसरी टीम जो बांग्लादेश है उससे चुनौती तो नहीं होगी टीम इंडिया को, क्योंकि उनके बॉलर अभी फॉर्म में। देखिए, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन श्रीलंका तो बहुत अभी जो
लास्ट हालिया परफॉर्मेंस रही है काफ़ी ख़राब रही है, वैसे में बांग्लादेश हो सकता है छुपी रुस्तम साबित हो जाए भारत के लिए, तो इसलिए सीरीज़ में बांग्लादेश काफ़ी कुछ कर सकती है, उसके पास भी काफ़ी बड़ा चांस है। तो बांग्लादेश छुपा रुस्तम साबित हो सकती है, ऐसा कहना है सौरभ का। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए दैनिक भास्कर.com के साथ। नमस्कार।